नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और आज हम इसी क्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की विशेष जानकारी, जिसमें कि आप जानेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की संक्षिप्त काल चक्र की जानकारी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की विशेषताएं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लागत की जानकारी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से किन शहरों एवं जिलों को होगा लाभ तथा कब होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्व दिशात्मक विकास के लिए विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे कम विकसित जिलों में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया है। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ेगा और साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस एक्सेस कंट्रोल्ड अर्थात प्रवेश नियंत्रित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना का आरंभ बिंदु है जिला चित्रकूट में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 पर भरतकूप के समीप, तथा परियोजना का अंतिम बिंदु है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जिला इटावा के गाँव कुदराइल के समीप। परियोजना की कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर एवं जहां से यह एक्सप्रेसवे होकर के गुजर रहा है वह है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया व इटावा, अर्थात इन 7 जिलों को होगा सर्वाधिक लाभ। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 लेन का हो रहा है जो कि 6 लेन तक विस्तारणी है, जिसमें कि सभी संरचनाओं का निर्माण 6 लेन की चौड़ाई में ही हो रहा है एवं परियोजना की ROW अर्थात राइट ऑफ वे अथवा मार्ग की चौड़ाई है 110 मीटर। एक्सप्रेसवे मार्ग के एक ओर 3.75 अर्थात 4.25 मीटर की चौड़ाई में एक सर्विस रोड का निर्माण स्ट्रेगल्ड फॉर्म में किया जाएगा ताकि परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों के निवासियों को भी सुगम परिवहन सुविधा मिल सके। इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 15,000 करोड़ रुपए, जिसमें से कि निर्माण कार्य के टेंडर्स की लागत है 7,767 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों की जानकारी दें तो आपको बता दें कि उन नदियों के नाम हैं बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सिंगर। एक्सप्रेसवे पर जो संरचनाएं प्रस्तावित हैं वो हैं 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल एवं 18 फ्लाईओवर भी इस एक्सप्रेसवे पर बनाए जाने हैं, जिनका विकास EPC अर्थात इंजीनियरिंग क्रय और निर्माण के आधार पर किया जा रहा है। यदि इस प्रोजेक्ट के संक्षिप्त काल चक्र की जानकारी दें तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम अप्रैल वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना की घोषणा हुई थी। तत्पश्चात अप्रैल वर्ष 2018 में मार्ग के सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हुआ। नवंबर 2018 में यूपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 640 करोड़ रुपए निर्गत किए, जिसके एक महीने के पश्चात दिसंबर वर्ष 2018 से भूमि अधिग्रहण प्रारंभ हुआ। फरवरी 2019 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR सज्ज हुआ। मई 2019 में 60% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। जुलाई 2019 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1150 करोड़ रुपए बजट बूस्टर पारित हुआ। अक्टूबर 2019 तक 93% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया एवं प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे को 6 पैकेजों में विभाजित कर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 4 निजी कंपनियों को निर्माण कार्य का दायित्व सौंपा, जो है अशोक बिल्डकॉन, एप्को इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन और ग्वार कंस्ट्रक्शन। एवं जिन क्षेत्रों एवं जितनी दूरी का निर्माण 6 पैकेजों में विभाजित है वह आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की नींव रखी थी, साथ ही इस एक्सप्रेसवे को वर्ष 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया। वहीं अब यदि इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि यूपीटा द्वारा प्रकाशित ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 अक्टूबर वर्ष 2021 तक इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का समग्र रूप से 73% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है।
एवं इस परियोजना का निर्माण कार्य अपने निर्धारित गति से भी अधिक तीव्रता के साथ संपन्न हो रहा है। यही नहीं, परियोजना के मुख्य मार्गों में 96% मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं मुख्य कैरेज वे में 100% CNG कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 880 में से 745 स्ट्रक्चर बनकर के तैयार भी हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कुछ भागों को छोड़कर शेष अधिकांश मार्ग को इस वर्ष के अंत तक चालू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ रखने का निर्णय किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लाभ की जानकारी दें तो आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे के बनने के पश्चात बुंदेलखंड की सीधी रोड कनेक्टिविटी लखनऊ और दिल्ली से अब हो जाएगी, जिससे कि 5 घंटों में दिल्ली पहुंचना भी संभव होगा। परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और औद्योगिक आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी के साथ विभिन्न विनिर्माण इकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा, जो क्षेत्र के सर्व दिशात्मक विकास में सहायता करेगा। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकट हमीरपुर व जालौन में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ताकि उद्यमी उद्योग लगाकर अपने माल को शीघ्रता व सस्ते में एक्सप्रेसवे के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचा सकें। जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ, उन्नाव, अमेठी व प्रतापगढ़, इसके अतिरिक्त औरैया व प्रयागराज में पहले से ही औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए काम हो रहा है, तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बनाने वाले उद्यमियों को बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत देश तथा विदेशों के बड़े निवेशकों को सूबे में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 950 हेक्टेयर में वन क्षेत्र अर्थात पार्क को विकसित किया जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे एवं एक्सप्रेसवे से जुड़े सभी 7 जनपदों में यूपीटा 2,70,00,000 पौधे रोपित कराएगा और इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि एक्सप्रेसवे के निर्माण कराने के लिए इस मार्ग पर पड़ने वाले लगभग 2,00,000 पेड़ कटवाए गए थे। इनमें पीपल, बरगद, पाकड़, आम, आंवला आदि के पेड़ सम्मिलित थे, जिनकी की इससे भरपाई होगी। अब यूपीडा एक्सप्रेसवे की सुंदरता और काटे गए वृक्षों की भरपाई के लिए दोनों किनारों पर वन क्षेत्र अर्थात पार्क को विकसित कराने की तैयारी में है, तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में पौधारोपण के लिए जो भी लक्ष्य है उसे 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रयोग से जहां एक ओर वाहनों में ईंधन खपत कम व प्रदूषण घटेगा, तो वहीं दूसरी ओर जनता का महत्वपूर्ण समय भी बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जानकारी पसंद आई हो तो अपने गांव अथवा जिले का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।